आज हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र जो होता है वह 10 भागों से मिलकर बना होता है। एक एक को देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है स्क्रोटम, जिसको वृषण कोश कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं थैलेनुमा एक जो भाग होता है वह स्क्रोटम होता है। इसके अंदर ही टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस जो आप देख सकते हैं यहाँ, टेस्टिस जो होता है ए वाली टेस्टिस का भाग है। दूसरा जो पार्ट होता है टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में स्थित होते हैं और ये जो कार्य करते हैं, टेस्टिस का जो कार्य होता है वह वृषण में पाए जाने वाले शुक्र नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और शुक्राणु नर युग्मक होते हैं तथा मादा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वीर्य या सीमेन को निकालकर मादा योनि में प्रविष्ट कराते का कार्य करते हैं। वृषण का कार्य होता है। अब चलिए तीसरा जो भाग देखते हैं। तीसरा भाग है एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस वृषण के ऊपरी भाग सभी शुक्र जनक नलिकाएं आपस में संयुक्त का अधिवृषण या एपी डी डायमिस का निर्माण कर सकते हैं करते हैं। यहाँ देख रहे हैं एपी डी डायमिस का जो है, आप यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाता हूँ, ए वाली एपिडाइडिमिस का निर्माण करती हैं। अब चौथा भाग है वॉश डिफरेंस। तो वॉश डिफरेंस जो होता है वह इसके अंदर जो होता है इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होता है, इसके अंदर पे टेस्टिकुलर वेन्स पाई जाती हैं एंड टेस्टिकुलर आर्टरीज पाई जाती हैं। उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम के भी वाहिनियाँ पाए जाते हैं और साथ में शुक्रवाहिका या वॉश डिफरेंस पाए जाते हैं। वॉश डिफरेंस जो होती है इसी को शुक्रवाहिकाएं के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो शुक्राणु आगे जाते हैं, शुक्र जो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेमिनल वेसल्स। जो सेमिनल वेसल्स होते हैं वह जो मूत्राशय यूनरी ब्लेडर तथा मलाशय रेक्टम के निचले भाग पर स्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय के निचले सिरे से एक छोटी वाहिकाएं डक्ट खुलती है जो अपनी और शुक्रवाहिकाएं से संयुक्त होकर स्कलनीय वाहिकाएं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार दो शुक्राशयों से निकलने वाली दो वाहिकाओं प्रत्येक में से एक एक दो शुक्रवाहिकाओं वॉश डिफरेंस से मिलने से दो स्खलनीय वाहिकाओं का निर्माण होते हैं, जिसे इजेक्यूलेटरी डक्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट या स्खलनीय वाहिकाएं। ये स्खलनीय वाहिकाएं जो देख रहे हैं नर में दो स्खलनीय वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो कि शुक्रवाहिनिकाओं जो वॉश डिफरेंस होता है इससे यहाँ मिलकर निकलने वाली जो वाहिकाओं में से एक संयुक्त होकर बनती है और प्रत्येक स्खलनीय वाहिकाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरती है तथा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से मिल जाती है। तो यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड यह से होकर गुजरती है और वहाँ प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा होती है उसके तक पहुँच जाते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड केवल यह नर में पाई जाती है और जो प्रत्येक जो पेल्वी गुहा पेल्वी कैविटी मलाशय के सामने स्थित होती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसके जो कार्य होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है पतले तथा दूध जैसे तरल पदार्थ का स्त्राव करती है जो सीमेन का लगभग 30% हिस्सा बनाता है। इसके अलावा इसमें एक क्लोटिंग एंजाइम भी पाया जाता है जो कि योनि में वीर्य को गाढ़ा करता है और यही एक ऐसा भाग है जो स्खलन के दौरान यूरिन और इसमें जो एक दरवाजे का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वयस्क नर में लगभग इसका जो लंबाई होती है वह 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें जो यूरेथ्रा होती है इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है जो मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा रहता है, जिसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। यहाँ इसे प्रोस्टेट ग्रंथि का स्खलनीय वाहिकाओं से स्रावित होने वाले पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा यह भाग मूत्राशय की नेक्स जुड़ी होती है। मूत्राशय की नेक्स यही जुड़ी होती है जहाँ स्थित आंतरिक जो मूत्र मार्गीय छिद्र के खुलने से इसमें मूत्र भी आ जाता है। तो मूत्र मार्गीय यह होता है कि जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा होती है वह मूत्र को आने से रोकती है बाहर जब इजुकेशन के दौरान वीर्य इसमें स्खलन होता है। तो यह एक दरवाजे का कार्य करती है। अब बात करते हैं पेनिस का। जो पेनिस है आप यहाँ देख रहे हैं, पेनिस नर में पाया जाने वाला कोमल लचीला बेलनाकार भाग होता है और इसका जो उद्गम होता है वह पेरिनियम से होता है। शिश्न की संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है मूल जिसको रूट कहते हैं, दूसरा है होता है बॉडी और तीसरा जो होता है शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो मूल होता है शिश्न का भाग पेरिनियम से संलग्न रहता है, ये वाली जो हिस्सा होती है वह कहलाती है। और जो बॉडी होती है आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी बॉडी को जो होता है वह 2 भागों पे बांट सकते हैं, जिसको कॉर्पोरा केवर्नोसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये है कॉर्पोरा
केवल नौसा ये दो पार्श्व स्तंभ होते हैं। इनमें असंख्य रक्तधर कक्ष पाए जाते हैं। ये कक्ष शेष नखे शीतलन के समय तो खाली रहते हैं, परंतु शारीरिक संभोग या लैंगिक उत्तेजना के दौरान इसमें रक्त भर जाता है तथा ये फूल जाते हैं। इसके कारण शिश्न लंबा मोटा तथा सख्त होकर तन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा कि क्यों तनता है, तो इसमें खून के भर जाने से तनता है। और दूसरा जो भाग होता है ये जो है कॉर्पस स्पंजियोसम, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के मध्य पाए जाने वाला स्तंभ कॉर्पस स्पंजियोसम कहलाता है। इसमें मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा स्थित होती है इसी हिस्से पे। अब शिश्न का मूड जो होता है, मूड के बाद जो सामने का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शिश्न मूड होता है यह शिश्न का सबसे आगे वाला तुलनात्मक हल्का सा मोटा भाग होता है। यह त्रिकोणकार संरचना होती है जिसका निर्माण कार्पस स्पॉन्जियम के विस्तारित होने से होता है। शिश्न मूड का के ठीक ऊपर त्वचा फोल्ड होकर एक गतिशील दोहरा परत का निर्माण करती है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। अब इसके जो कार्य क्या होते हैं, तो इसका कार्य होता है मूत्र त्याग के दौरान या मूत्र के बाहर की ओर उत्सर्जन में सहायक होता है। और मैथुन क्रिया के दौरान इसका द्वारा जो वीर्य महिला की योनि में स्थानांतरित किया जाता है। इजेकुलेशन या स्खलन, मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा बाहरी मूत्र मार्गीय छिद्र से होते हुए वीर्य का त्याग करना स्खलन कहलाता है। इस वीर्य सीमेन में शुक्राणु सेमिनल फ्लूइड्स प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित द्रव आदि होते हैं। वीर्य जो होता है वह स्खलन के दौरान नर के बाह्य मूत्र मार्ग छिद्र होकर निकलने वाला द्रव सीमेन कहलाता है। एक स्खलन के दौरान जो स्वस्थ वयस्क नर के लगभग 2 से 5 एमएल वीर्य स्खलित किया जाता है। वीर्य का लगभग 10% भाग शुक्राणु, 60% भाग शुक्राशय द्रव तथा 30% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित द्रव बनाता है। तो इस तरह ये सभी जो है वह नर जनन तंत्र का जो भाग थे फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक एक करके बता दिया, यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ। ये वाले जो है पेनिस पूरा है, यहाँ आप देख रहे हैं जो है हमारे टेस्टिक जिसको स्क्रोटम कहते हैं, यही आपको वॉइस डिफरेंस और जिसको शुक्रवाहिकाएं कहते हैं वह है। इसके बाद यह हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इसके जो जस्ट नीचे भाग जो है आपको पीछे की ओर से दिखाता हूँ, ये वाले जो है हमारा प्रोस्टेट कैंसर है, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड है। और पुरुषों में सबसे जो सामान्य कैंसर होता है यह इसी का कैंसर होता है जिसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और इसके अलावा जो महिलाओं में कैंसर होता है सामान्य वह ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।